दोस्तों आसपास के गांव से आए हुए नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहने, सबसे पहले आपकी सभी मांगों को जायज मानते हुए अपने संगठन पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति की तरफ से और संगठन का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते सरकार से ये मांग करते हैं कि आपकी सभी मांगों को फौरी तौर पे पूरा किया जाए। दूसरी बात, जिस तरह की हाजिरी इस धरने पर खेड़ी चोपटे के धरने पर बास के धरने पर रही है, यह उस किसान आंदोलन की ताकत है जिसने अपने दी बैठना सिखा दिया। और सबसे बड़ी बात, इन महिलाओं का योगदान इस देश में जब मनुस्मृति का राज होए करता और न्यू बड़ी बड़ी किताबों में लिखा जाए करता कि महिला ने बचपन में आपके बाप के संरक्षण में, जवानी में आपके घराला के संरक्षण में और बुढ़ापे में आपके बेटे के संरक्षण में रहना चाहिए और आजादी की जरूरत महिलाओं ने कोनी उस दौर ते लेके और आजादी के उस दौर में भी जब 1857 की क्रांति हुई थी और दुर्भाग्य से उस क्रांति में हमारी हार हुई थी और हरियाणा का सेनापति जिसकी माना गया था शहीद उद्यमी राम, सोनीपत के पास गांव है उसका लिबासपुर, उसको अंग्रेजा ने उसका घर के स्यामी नीम के पेड़ पे सूढ़ी टांग दिया था भाई। और सबसे बड़ी बात, उसकी घराली थी भी बराबर सूढ़ी पे टांग दिया था। इन महिलाओं का योगदान हमेशा बराबर रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां।